कांटे के टक्कर है, लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, तब तो कांटे के है। अच्छा, हम लोग चाहेंगे कि नया चेहरा आवे, बदलाव हो। क्यों बदलाव चाहते हैं? विकास के लेकर मुद्दा लेके। अच्छा, केवल हवा हवा में खाली विकास हो रही है, जमीन स्तर पर कहीं कुछ विकास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज, और आज हम चुनावी यात्रा के दरमियान रमना पहुंचे हुए हैं, और यहाँ के वोटरों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के वोटरों के मन में क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत अंसारी। क्या माहौल है इस बार होनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का? माहौल कांटे की टक्कर है। इस बार कांटे की टक्कर है, मतलब किसका पड़ रहा, थोड़ा भारी लग रहा है? अभी तो हम नहीं कह सकते किसका। अच्छा, कांटे की टक्कर है। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? फारूक अंसारी। अच्छा, क्या पता है यहाँ के बारे में, क्या माहौल चल रहा है? क्या माहौल, चुनावी माहौल क्या है? किसके बीच टक्कर है? कौन इस क्षेत्र से आगे आ रहा है? रमनक से इस क्षेत्र से हेमंत सरकार आगे है, अभी था और है और रहेगा। नहीं, वो विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो होनहासपुर विधानसभा क्षेत्र से किसकी स्थिति मजबूत है? हमारे राजा जी हैं, आनंद प्रताप देव काफी जुझारू नेता हैं, और जो है कि काफी ईमानदार व्यक्ति है, उनको हम आगे रखना चाहेंगे और रहेंगे। धन्यवाद। आइए कुछ दुकानदार से बात करते हैं, क्या रमना का मन मिजाज है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार एंड भीम है। अच्छा, जो हिसाब से हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ से लीड कर रहे हैं छोटे राजा जी, यहाँ से बहुत 80% अच्छा लगभग यहाँ से निकल रहे हैं छोटे राजा जी। आपका? धनंजय सिंह। कहाँ घर है? भागोली। अच्छा, क्या कहेंगे, 13 तारीख को मतदान है, क्या किसका पड़ा भारी है इस बार? अनुप्रताप शाही का। अच्छा, इस बार लोग बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं। अच्छा, तो क्या मुद्दा क्या है, मतलब उधर कोई मुद्दा, सारा मुद्दा इस बार हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा था बिजली आज 24 घंटा हमको बिजली मिल रही है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता। घर बताइए। यही बगल में रमना के रहने वाले हैं। अच्छा सुनील जी, बताइए इस बार विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से किसका पड़ा भारी है? देखिए कांटे के टक्कर है, लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, तब तो कांटे के है। अच्छा, हम लोग चाहेंगे कि नया चेहरा आवे, बदलाव हो। क्यों बदलाव चाहते हैं? विकास के लेकर मुद्दा लेके। अच्छा, केवल हवा हवा में खाली विकास हो रही है, जमीन स्तर पर कहीं कुछ विकास नहीं है। अच्छा, बगल में हम देख रहे हैं कि मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर दूर पर एक गली है जी। उसमें देखिए बरसात में पानी ठोना भरा रहता है। अच्छा, कम से कम 1000 आदमी की बस्ती रहता है। अब पोस्ट ऑफिस हो गया, या बगल में अमाटी का नाम से है, दो को गली, उन्हें देखिएगा कि एकदम पूरा एकदम गली, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं है। तो मुश्किल से छोटा मोटा काम है वो जमीन, बस केवल हवा हवा खाली बात करना है कि इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दी। रमना, स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य जब बना था तब तो डॉक्टर नहीं था, केवल हवा में। अपना तो मान ले कि जो बड़ा काम करेगा प्रोजेक्ट अपना कमीशन के लिए तो करवे करेगा, तभी उसको मिलेगा। के जितना हम बड़ा काम कर रहे हैं उतना में छोटा छोटा काम 50 को हो जाएगा। अच्छा, लेकिन बड़ा काम करेगा तो बड़ा पीसी मिलेगा उसको, इसीलिए तो करता है बड़ा बड़ा काम। वर्तमान विधायक भानु जी कहते हैं कि पावर ग्रिड जो है हमने लाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इनका थोड़ा इतना बड़ा हमने काम कर दिया कि यहाँ के लोगों को 22 घंटे की बिजली मिल रही है। मिल देखते कहेंगे, मतलब कि विधायक जी हैं, इनको तो काम है जनता के करने के लिए, लेकिन कहीं जो कोई अपने श्रेय लेने के लिए बात नहीं है कि हम ही कर दिए। ऊपर से होता है ऐसा थोड़े, अब तो रोड आता है तो रोड तो सिस्टम है कि इतना रोड हर साल बनना है। अब कोई कहे कि नहीं हम रोड बनवा दिए, तो अपना सिरे लेना तो लेते रहे सिरे। अच्छा, लेकिन जो जिनमिन काम जो नजर के सामने हम देख रहे हैं उसको तो हम नहीं देख रहे कि देख रहे कि अम्मा टिकर के मतलब रोड है उसमें इतना बस्ती रहता है, पोस्ट ऑफिस के रोड है उसमें तो हम देखते हैं कि कितना रहता है, डूब जाता है, लेकिन तो नजर नहीं आ रहा है। भाई किसी को बताना तो बताते हैं, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। कांटे की टक्कर है, बदलाव चाहते हैं, क्या हो गए बदलाव? ठीक, धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ घर है? रमना बाबूडी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? 2024 में अभी चुनाव आने वाला है और 13 तारीख को मतदान है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें हमारे यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है,
राजा बच्चा भारी मत से विजयी होंगे। अच्छा, इस बार मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से उनकी स्थिति मजबूत है? नहीं, मजबूत नहीं है, वो जीत रहे हैं। अच्छा, जीत रहे हैं। दो बार से हमारे वर्तमान विधायक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या देखते हैं उनके विकास को, क्या कितना विकास हुआ है क्षेत्र का? जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है। अच्छा, ब्लॉक में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अच्छा, उस पर उनका कभी भी कोई ओपिनियन अच्छा नहीं रहा। अच्छा, मतलब यहाँ का जो अधिकारी वर्ग है वो निरंकुश हो चुका है क्या? एकदम हो चुका है। अच्छा, जनता से, किसी जनता से पूछ लीजिए। अच्छा, तो क्या मुद्दा रहेगा ये रमना का, इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? जो क्षेत्र का विकास करेगा, जनता के सुख दुख में शामिल रहेगा, फोन करने पर फोन उठाएगा। अच्छा, जनता का बात रखेगा, होना ना होना बात की चीज है। अच्छा, वर्तमान विधायक जो है उन्होंने 2019 में भी कहा था सीमेंट प्लांट की स्थापना होगी जीतने के बाद। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं कि हुआ है कि...